ऐसा जोश खेलो हाँ पिघल जाए, होश ऐसा होश खेलो हाँ नए सांचों में ढल जाए। माथे पे जगमग जो मेहनत का पसीना है, हर असंभव हमको संभव करके जीना है, ऐसे जीना है। जोश ऐसा जोश खेलो हाँ पिघल जाए, होश ऐसा होश के लोहान ऐसा छों में ढल जाए। आजादी का पल लाया आशा की एक नई भोर, विकास का एक नया सवेरा, जिसका सपना था आत्मनिर्भर भारत की नींव रखना। इस सपने को सच करने के लिए 1964 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य था भारत को विद्युत उपकरण निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत की ऊर्जा, औद्योगिक और यातायात क्षेत्र के लिए नई तकनीक और उत्पाद का निर्माण करना, जिससे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जहां 60 का दशक हमारे लिए सीखने का वक्त रहा, 70 और 80 के दशक में हमने कंपनी के समेकन एकीकरण पर जोर दिया और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाए। उसके पश्चात के दशकों में हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग कार्यों को रिसर्च और इनोवेशन से और बढ़ाया। आज 50 वर्ष बाद अपने आधुनिक उत्पादों से BHEL सफलता के नए आयाम छू रहा है। हमारे अनुसंधान व विकास, कार्यनिर्वाह क्षमता, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट की एक ही प्रेरणा है आत्मनिर्भर भारत। आज BHEL विद्युत, उद्योग, ट्रांसमिशन, रक्षा, तेल व गैस, परिवहन तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा, जल क्षेत्र की तकनीकी जरूरतों को अपने डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण और निष्पादन के माध्यम से पूरा कर रहा है। 21वीं सदी में भारत सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है ऊर्जा की, और इस ऊर्जा के क्षेत्र को सफल बनाने में आज अहम भूमिका BHEL द्वारा निभाई जा रही है। BHEL ने अपनी शुरुआत 30 मेगावाट से की, बढ़कर फिर 250 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, अब इसके आगे बढ़कर 1000 मेगावाट के संयंत्र के बनाने के निर्माण में BHEL आगे बढ़ रही है। वैसे BHEL की पहचान केवल देश में नहीं तो विश्व स्तर पर आज BHEL की पहचान है। देश के विकास के लिए विद्युत और ऊर्जा अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने में BHEL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज BHEL के पास 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन तक के उपकरण बनाने की स्थापित क्षमता है। BHEL विश्व की चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो कि एक एकीकृत विद्युत उपकरण निर्माता है, जिसके पास ऊर्जा उपकरणों की पूरी रेंज एवं प्रकार का निर्माण करने की क्षमता है, और जिसने 1,50,000 मेगावाट से अधिक के विद्युत उत्पादन उपकरण सप्लाई किए हैं। देश की 62% थर्मल ऊर्जा BHEL द्वारा निर्मित उपकरणों से उत्पन्न होती है। भारत के पावर सेक्टर में BHEL का अग्रणी स्थान है। हर 3 घर में से 2 घरों की बिजली BHEL द्वारा निर्मित उपकरणों से मिलती है। सन 2013 में भारत सरकार ने BHEL को महारत्न का दर्जा दिया। भारत का विश्वास, भारत के आत्मनिर्भरता का उदाहरण, भारत की तकनीकी उन्नति का स्तंभ BHEL, बुलंद हौसलों के साथ, जोश और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता हुआ। BHEL is a Maharatna company having 17 manufacturing units and 45,000 manpower.
BHEL has its responsibility to the nation as a national company, and it manufactures 20,000 megawatt of equipment every year, and it caters to the power sector and the other infrastructure sectors. It has its responsibility not only to manufacture, but also to collective approach of management and business department maintains transparency in all its activities. Business department inspects offices and suggests new systems and processes. And moving forward, the company would like to perform its journey of growth through preventive vigilance as a tool for good governance. विश्वास भरा माहौल किसी भी संगठन के उत्तम कार्य प्रणाली और ग्राहक संतुष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए BHEL का मुख्य ध्येय है पारदर्शिता और नई तकनीकों के प्रयोग से ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कर्मचारी साझेदार और ग्राहकों का अनुभव हमेशा अच्छा रहे। हम पर जिम्मेदारी है न केवल कई हेवी इलेक्ट्रिकल्स के निर्माण करने की बल्कि नई तकनीक विकसित करने की। जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है उसे विश्वास के साथ निभाना। BHEL का विजिलेंस विभाग समय समय पर कंपनी के कार्यालयों का निरीक्षण करता है और वर्तमान स्थिति में नए सिस्टम और प्रोसेस अपनाने के सुझाव देता है। BHEL की सभी बड़ी इकाइयों में सतर्कता विभाग की शाखाएं हैं। सतर्कता विभाग में 50 से अधिक अधिकारी कार्यरत हैं, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी में केंद्र सतर्कता आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कंपनी और CVC तथा कंपनी और CBI के बीच एक लिंक का काम करते हैं। सतर्कता विभाग कंपनी मैनेजमेंट को भ्रष्टाचार निरोधक उपायों को लागू करने में मदद करता है। यह विभाग कंपनी के दूसरे विभागों के बीच एक लिंक का भी काम करता है, जिससे कंपनी में उत्पादन क्षमता, कार्य क्षमता और क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। सतर्कता विभाग नियमित रूप से साइटों तथा इकाइयों का निरीक्षण करता है तथा समय समय पर जांच द्वारा सिस्टम को सुधारने के सुझाव देता है। इन सुझावों पर मैनेजमेंट सभी स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श करके इन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करता है। Chief Vigilance Officer is an integral part of an organization. He plays an important role. His role is not limited to investigating some complaints, suggesting some action against the guilty. He is part of the process along with the management. He is required along with the management to look into the various systems, processes and bottlenecks and suggest various remedies to be done so that the public at large are not inconvenienced. In a preventive vigilance mechanism, the chief vigilance officer and the management act in concert so that they identify the various bottlenecks and introduce improvements so that the processes involved are followed very systematically, leading to better procurement of goods and services at better rates and proper recruitment of personnel and proper sale of goods and services at an appropriate rate and an appropriate time. The coming together of the chief vigilance officer and the management would take the good governance to a next higher level. Morning, sir. Good morning, Sumit. अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, otherwise मैं तुमको बुलाने वाला था। कुछ खास बात सर? हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन रेट कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर का क्या हुआ? सर मैं अभी आता हूँ आपके पास। आ जाओ। मैं कम इन सर। सुमित प्लीज हैव अ सीट और बताओ टेंडर का क्या हुआ? सर टेंडर में 130 बिड्स आई हैं, पर रेट पिछले रेट कॉन्ट्रैक्ट से 30% से 40% ज्यादा आए हैं। ओहो, ये तो सीरियस इशू है। यस सर, मुझे पता चला है टेंडर भरने की तारीख से ठीक पहले दिन सारे ट्रांसपोर्टर्स एक होटल में मिले थे। लगता है सबने मिलके हाई रेट कोट करने की रणनीति बनाई। इसका मतलब कार्टलाइजेशन हुआ है। हाँ सर, अब क्या करें? मुझे याद आ रहा है एक बार मीटिंग में सीरियस हेड ने कार्टलाइजेशन प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस किया था। यस सर। और कुछ सुझाव भी दिए थे। यस सर। क्यों ना चलकर हम विजिलेंस से इस बारे में बात करें। बिल्कुल ठीक है सर, आओ चले। यस सर।
एक खुशखबरी है, री टेंडर का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और रेट भी बड़े कॉम्पिटेटिव आए। ओह, दैट्स ए रियली गुड न्यूज। हाँ सर, ओपन टेंडर की वजह से कई नई पार्टियों ने टेंडर भरे, टेंडर की नई क्लॉज के कारण कार्टलाइजेशन भी नहीं हुआ और सर पहले आए रेट के मुकाबले इस बार रेट 25-30% और कम हुए। अरे वाह, फिर तो अच्छी खासी बचत होगी। हाँ सर, बहुत बचत है, कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की बचत है। फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ सर, लेट्स सेलिब्रेट सर। वी शुड गो टू कैफेटेरिया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, तुम दोनों कंटिन्यू करो। और कोमल, विजिलेंस में आजकल क्या चल रहा है? सर, आजकल हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू देख रहे हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इशू, ये क्या है? सर, रिसेंटली हमारी विजिलेंस की टीम ने हमारे मेजर यूनिट्स लाइक हरिद्वार, भोपाल, तिरुची में विजिट किया तो ये पाया कि स्टोर और एमएम का काफ़ी सामान ओपन स्पेसेस में पड़ा, बिखरा पड़ा था, जो कि किसी यूज़ में नहीं लाया जा रहा है। और दूसरा, हमारे प्लांट की एम्बियंस बहुत ख़राब हो रही। तो विजिलेंस ने इसमें क्या किया? सर, CVO के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने ऐसे स्पेसेस की फोटोग्राफ्स क्लिक करके कॉर्पोरेट में सेंड करी और उसे मैनेजमेंट के सामने डिस्कशन के लिए रखा गया। ग्रेट, तो इसका फाइनली क्या डिसीजन रहा? मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव थे सर इस ड्राइव में, तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए। पहला इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये हुआ कि हमें अपने इंडेंटिंग प्रोसीजर को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे एक्सेस मटेरियल जो है वो हमारे स्टोर्स में ना आए और वेस्टेज ना हो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कि ऐसे जहाँ भी ओपन स्पेसेस में सामान रखा है उसे 5S करके छटनी करने की ज़रूरत है, जिससे काम में लाने वाला सामान को स्टोर में वापस भेज दिया जाए और ना काम में आने वाले सामान को ऑक्शन या रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाए। तो कंपनी को तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा? सर, मल्टीपल बेनिफिट्स दिए हमने इस ड्राइव के थ्रू। सबसे पहला तो हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो गया, हमने अपने इंडेंटिंग प्रोसीजर को रिवाइज कर दिया जिससे कि हम एक्सेस मटेरियल अब स्टोर्स के अंदर ही नहीं आता। सर, दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये हुआ कि हमारा काफ़ी सामान स्टोर में वापस चला गया जिसे अब हम यूज़ में ला पा रहे हैं, इससे हमने लैक्स ऑफ रुपीज़ कंपनी के लिए सेव कर लिए। बहुत बढ़िया रहा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कि हमने स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे दिया। अगर आप कहें सर तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी इस ड्राइव की आपको दिखाऊं। देखिए सर, ये देखिए, ये पहले की स्नैप्स हैं और ये अब की स्नैप्स हैं, हमने अपने प्लांट्स को कितना नीट एंड क्लीन कर दिया। आइए अब हम विजिलेंस डिपार्टमेंट की भूमिका के कुछ और पहलुओं के बारे में जानते हैं, जिसके लिए आज है हमारे साथ BHL के CVO श्री अरविंद कादियान जी। तो सर, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सर, BHL भी हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का पब्लिक प्रोक्योरमेंट करता है, तो सर भ्रष्टाचार के विरुद्ध BHL की क्या रणनीति है? देखिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हमारी कंपनी की रणनीति के दो पहलू हैं। पहला प्रिवेंटिव विजिलेंस और दूसरा प्यूनिटिव विजिलेंस। कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए हम प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर देते हैं जिससे भ्रष्टाचार के मौके ही उत्पन्न ना हो। लेकिन अगर कोई कर्मचारी जानबूझ के कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। पिछले एक साल में 20 से ज्यादा कर्मचारियों के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। सर, ये प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए हम लोग कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता लाना, कंपनी के नियमों को सरल बनाना और कंपनी के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करना। इसके अलावा हम कंपनी के नियमों को, पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी देते हैं। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि विजिलेंस के कारण डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका ये कहना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इसके लिए विजिलेंस जिम्मेवार नहीं है, बल्कि कर्मचारियों में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी होना इसका मुख्य कारण है। इसीलिए हम BHL में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। हम एक न्यूज़लेटर दिशा भी इशू करते हैं जिसमें केस स्टडीज शेयर की जाती हैं। इसके अलावा हम समय समय पर इंटरेक्टिव सेशंस भी करते हैं जिसमें खास तौर पर ये बताते हैं कि टाइमली डिसीजन और करेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हमारी इस पहल के काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हैं।
सर आजकल सभी बड़ी कंपनियां रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस को की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। सर रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है? देखिए ऑक्शन दो तरह से होते हैं, फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन। जब किसी कंपनी को अपना कोई सामान बेचना होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को अपना सरप्लस स्टोर्स बेचना है या DDA जैसे अपना फ्लैट्स या प्लॉट्स बेचना है, तो उसके लिए फॉरवर्ड ऑक्शन किया जाता है। और फॉरवर्ड ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बिड डालता है वो काम उसको दे दिया जाता है। इसके विपरीत जब कंपनी को कोई सामान या सेवा अपने लिए खरीदना होता है तो उस समय रिवर्स ऑक्शन का यूज़ किया जाता है और उसमें जो बिडर सबसे कम बिड डालता है वो टेंडर उसको अवार्ड कर दिया जाता है। सर मुझे आपसे एक बात और जाननी थी। सर मुझे अभी पता चला है कि बिजनेस डिपार्टमेंट के सुझाव पर आर्या की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। सर जरा बताइए इस बारे में हमें कुछ। ऐसा था कि कुछ इंस्पेक्शंस में हमने नोटिस किया कि जो आर्या का बेनिफिट कंपनी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपिटिटिव बिडिंग हो ही नहीं रही थी। तो हमने मैनेजमेंट को सुझाव दिया कि आप जो आर्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करिए और उसी को ध्यान में रखे आर्य की नई गाइडलाइंस इशू की गई। आइए मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंजन भाई, वो प्लेट हीट एक्सचेंजर के रिवर्स ऑप्शन का क्या रिजल्ट रहा? सर क्वाइट सरप्राइजिंग सर, केवल दो ही बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया। रिवर्स ऑक्शन की बेस प्राइस भी बहुत ज्यादा थी सर, और सर फाइनल प्राइस तो हमारे एस्टीमेट से करीब 50% ज्यादा थी। इसका मतलब है कि बिडर सीरियस नहीं थे। एक काम करो, रिवर्स ऑक्शन के बारे में कॉर्पोरेट से नई गाइडलाइंस इशू हुई है जी, उनकी कॉपी लेकर। सर आई हैव अ कॉपी सर। अच्छा जरा देखो उसमें क्या सुझाव है। जी सर, रिवर्स ऑक्शन में प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि कम से कम 4 बोलीदाता हों, अनुमानित लागत और न्यूनतम ऑनलाइन सील्ड बिड में से जो कम हो वो रिवर्स ऑक्शन का बेस प्राइस हो। ऑनलाइन सील्ड बिड में अधिकतम बोली देने वाले बोलीदाता H1 को रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इस आरे की रेट तो बहुत ज्यादा है, इसलिए दोबारा टेंडर इशू करो और सर्विस प्रोवाइडर को गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखने। ये नए गाइडलाइंस के साथ जो रिवर्स ऑक्शन हुआ है उसका तो सर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा और रेट भी हमारे एस्टीमेट के अनुसार आए। वी मस्ट थैंक विजिलेंस फॉर दिस सिस्टम इम्प्रूवमेंट। करेक्ट सर, बल्कि मैं तो सोची थी मैं विजिलेंस ही ज्वाइन कर लूं। मेरा ये मानना है कि विजिलेंस एक ऐसा मैनेजमेंट टूल है जो इस कंपनी को हायर एफिशिएंसी अचीव करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स और कलेक्टिव एफर्ट्स मैनेजमेंट और विजिलेंस के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं इस कंपनी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हम है वो जो मंजिलों से आगे जाते हैं, हम है वो जो सपने सच करके दिखाते हैं। जग सवारे, जग निखारे, स्वर्ग धरती पर उतारे। हम जिधर देखें उधर एक ज्योत जल जाए। जोश ऐसा जोश के लो हाथ पिघल जाए।
होश ऐसा होश के लोहान ऐसा जो में ढल जाए जोश है जोश है जोश है जोश है जोश है हमारा उद्देश्य हमारा जोश है सत्य शी जोश है जय हिंद।